हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। आपने हमेशा अपने सिलेबस में देखा होगा पैसिव वॉइस लिखा हुआ एक टॉपिक है। ये इतना सरल टॉपिक है, हाँ आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है, उसको अगर गहराई से नहीं समझा है तो ज़रूर कठिन लगता होगा। पर तो आज के इस वीडियो हम इतने अच्छे ढंग से समझेंगे कि आज के बाद में आपके ये टॉपिक खास तौर से आपके कवर में होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो चुटकियों में आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस आया कहाँ से। चलिए हम एक शब्द लेते हैं वॉइस। वॉइस वॉइस शब्द आते हैं हमें आवाज़, यानी इसका हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड आवाज़ से हम इसको समझते हैं कि भाई वॉइस का अर्थ आवाज़ होता है। चलिए यहाँ पर आवाज़ को मैं मान लेता हूँ कथन। भाई कोई न कोई आवाज़ तो ऐसी सामान्य आवाज़ें ही निकलती हैं, वो नहीं, अगर आप बोलते हैं कोई एक स्टेटमेंट देते हैं तो वो यहाँ पर वॉइस माना गया। जब हम जो वॉइस है ये ग्रामेटिकल तरीके से दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। हाँ, क्योंकि जब इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक रखा जाता है तो उसे टाइटल पैसिव वॉइस दे देते हैं। पैसिव वॉइस इसलिए देते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस तो सेंटेंस बने हुए हैं और उस सिलेबस को या उस टॉपिक को पढ़ने वाला जो है उसे किस चीज़ को सीखना है, पैसिव वॉइस बनाना सीखना है, इसलिए उसे पैसिव वॉइस के रूप में टॉपिक दे दिया जाता है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, फिर हम पैसिव वॉइस समझेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस की खास बातें क्या है। अगर आप सीधे समझना चाहें तो जितने भी सेंटेंस स्टेटमेंट हम देते हैं वो अपने आप में एक्टिव वॉइस होते हैं। अगर किसी कर्ता है, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर भी कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट आप SUBJECT, सब्जेक्ट का अर्थ आप यहाँ पर ना तो विषय मानेंगे और ना ही कोई सजा मानेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थ मानेंगे कर्ता। और इसे एक और भाषा में डूअर भी कहा जाता है। याद रखें, जब आप कोई ग्रामर की अच्छी बुक उठा के इस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ज़्यादातर डूअर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप डूअर की और मीनिंग कहीं सर्च करेंगे। इससे पहले मैं आपको कह देता हूँ इसका अर्थ भी सब्जेक्ट ही होता है। हाँ, तो एक्टिव वॉइस, मान लीजिए कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, राम बार बार बोल रहा हूँ इसलिए, श्याम क्रिकेट खेलता है, मोहन एक पत्र लिखता है, कितने वाक्य बोले मैंने, ज़्यादातर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बोले। और ये सेंटेंस आपको लगा नहीं कि जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो ये शायद पत्र लिखने का काम हो या फिर क्रिकेट खेलने का काम हो या फिर पुस्तक पढ़ने का काम हो, ये किसी न किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, इसे परफॉर्मर भी कहा जाता है। अगर एक और शब्द समझ लें यहाँ पर परफॉर्मर, यानी कोई काम को करने वाला। तो मान लीजिए सामान्य अर्थों में अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा सीधे तौर से किया जा रहा है, वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस होगा, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। और उसमें किस चीज़ पे एम्फेसिस किया जाएगा, सब्जेक्ट पे जोर दिया जाएगा कि राम एक पत्र पढ़ता है। अब पत्र पढ़ने वाली बात की बात है, पर ये काम जो करने वाला कौन है, राम है, और राम यहाँ पर डूअर या फिर सब्जेक्ट या फिर परफॉर्मर है। मतलब एक्टिव वॉइस में एक सामान्य सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा, किस पर, जो रियल सब्जेक्ट होगा, वास्तविक कर्ता होगा, उस पर जोर दिया जाएगा। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए ये सेंटेंस है, राम
प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, वर्ब प्ले हैं या प्लेज के दो, और सब्जेक्ट राम है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें जो करता है वो सीधे तौर से पहले ही बैठा है। जो क्या काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, ये तो हुआ एक्टिव वॉइस, ये क्या हुआ एक्टिव वॉइस। जब हम राम क्रिकेट खेलता है, ये तो एक सीधा अर्थ या फिर सीधा सेंटेंस बोल दिया। अब मैं इसी को दोबारा कहूँ, क्रिकेट राम के द्वारा खेली जाती है, क्रिकेट राम के द्वारा खेली जाती है। अब मुझे बताइए कि राम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हुआ या फिर क्रिकेट, क्रिकेट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्रिकेट बैठा है, इसलिए इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, क्रिकेट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो हमें इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। इस पैसिव वॉइस के झमेले को पढ़ने से पहले ये तो बात समझ लें कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है। अगर एक्टिव से हमारा काम चल जाता है, किसी को हम बात समझा देते हैं एक्टिव वॉइस से, तो पैसिव बनाने की ज़रूरत कहाँ है। तो देखिए, पैसिव बनाने की ज़रूरत ये है कि अगर हमारे एक जोड़ी कपड़े से अगर काम चल जाता है, दूसरे क्यों लाए, ये हम जब भी साए फैशन का ज़माना हो या फिर ड्रेसिंग की हो या कोई और सामान जैसे घर बनाने की हो, गाड़ी की हो, और भी, वो हम अननेसेसरी थिंग्स क्यों एक्वायर करते हैं या क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सुंदरता होगी, प्रभाव पड़ेगा। तो बस बात यही है, अगर एक्टिव से काम तो चल जाता, परंतु ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की सुंदरता के लिए हम पैसिव का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, बस ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज यानी इसको एनहांस करने के लिए। देखिए, मैं अभी आपको केवल इसका बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सरल टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इस ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज को यानी लैंग्वेज की सुंदरता को हम एनहांस करना चाहें, अगर बढ़ाना चाहें, खूबसूरती लाना चाहें, तो भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंस या फिर अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस का यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ सेंटेंस या फिर हर तरीके से नए नए तरीके अपना कर हम लैंग्वेज की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कि हम शो ऑब्जेक्टिविटी, इसको भी समझेंगे, ये एक फिलोसॉफी या फिर फिलोसोफर का विषय है या फिलोसॉफी का विषय है कि भाई देखिए, एक ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, एक होती है सब्जेक्टिविटी और एक होती है ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, सब्जेक्टिविटी तो बेस्ड ऑन वन पर्सन या फिर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बात अगर हो तो हम उसे सब्जेक्टिविटी कहेंगे। बात ये, जैसे मान लीजिए राम प्लेज क्रिकेट, तो ये एक्टिव वॉइस है और इसमें राम पर ही जोर दिया जा रहा है, बाकी और लोगों से कोई संबंध नहीं है। परंतु इसी सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिविटी का सहारा या ऑब्जेक्टिविटी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम कहें 5 लोग मारे गए, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें हमें मारने वाले का पता नहीं है, तो हम सीधे क्या कहते हैं, 5 लोग मारे गए। तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी बताते हैं, सब्जेक्ट भी जोर नहीं देते हैं, जो ऑब्जेक्ट था, जो प्रभावित हुआ, उसको बताने के लिए सीधे तौर से हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। यानी 5 people are killed, यानी आर किल्ड, सीधा पैसिव वॉइस है। ठीक, और अगर बात कहें तो इस जो पैसिव वॉइस हैं, एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्ट या फिर ये यूं कहें कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है
उसका पैसिव वॉइस बनाते समय या जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम जोर किस पे देते हैं? ऑब्जेक्ट पे। ठीक, अब ये है हमारे पास सेंटेंस। कुछ सामान्य रूल है, देखिए ग्रामर पढ़ते समय ज़्यादातर जो स्कॉलर है या फिर मेथड है, यानी जो विद्वान स्कॉलर मीन्स विद्वान है या फिर जो मेथड्स है, वो क्या कहते हैं कि भाई आप ग्रामर पढ़ते समय रूल को फॉलो मत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप रूल निकल कर आएंगे। चलिए वो तो बातें चली गई, रूल निकालने वालों ने निकाल दिए, आज हम निकाले हुए जो बने हुए रूल हैं उनको बेस मानकर इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ रूल जरूर हमें यूज करने होंगे, फॉलो करने होंगे, तभी जाकर हम करेक्टली एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म वर्ड का यूज कर रहा हूँ, चेंज करने, जहाँ पर चेंजिंग होती है तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ ट्रांसफॉर्म का मतलब है उसकी मीनिंग को हम तोड़ेंगे नहीं, जो काम एक्टिव में हुआ उसको ही हम पैसिव में दिखाने जा रहे हैं, केवल उसकी फॉर्म को चेंज करते। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो ये फॉर्म रहती है एक अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट होता है पहले, फिर होती है वर्ब, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ भी आ सकता है, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री हो या फिर एडवर्बियल हो ये भी आ सकते हैं। चलिए यहाँ तक ये एक जो अफर्मेटिव या एक स्टेटिव है या फिर एक स्टेटमेंट है उसकी मुख्य जो फॉर्म रहती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब मैं एक तरफ तो रखता हूँ रूल और दूसरी तरफ इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, रूल मैं लिख रहा हूँ तो आप याद जरूर करें, सामान्य हम एक्टिव को पैसिव वॉइस बनाते समय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका, अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो तो जिंदगी में जब जब आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देंगे और इंग्लिश सिलेबस है तो ये टॉपिक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, साथ में रहेगा, तो आज ही इसको समझ लेते हैं। तो पहला रूल, मैक और सेंस, ये भी लिख सकते हैं या फिर सेंस करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, मैं यहां ए लिख रहा हूं, अ मैक और सेंस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। पहली बात हमें यह समझनी है कि हमें पहला काम क्या करना है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। चलिए यहां पर इस सेंटेंस को देखते हैं, राम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्रिकेट को पहले ही ले आना है, ये ले आया मैं क्रिकेट। ठीक, वही समझे, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, सेंजेस इन टेंस या फिर वर्ब, वर्ब लिखना अच्छी बात है, सेंज इन वर्ब, क्योंकि टेंस चेंज नहीं हो रहा है, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। चलिए अब टेंस सेंस किस प्रकार होंगे वो मैं यहाँ पर एक चेंज करके देखूँ, नहीं तो फिर हम थोड़े अगले वीडियोज में थोड़े थोड़े समझेंगे इसी तरीके। मान लीजिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है या फिर डू आया हुआ है या डज आया हुआ है, ये तो होंगे, तो आपको इस इनको किस में बदलना है, इज आर या एम में, एज आर एम में, और फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज आया है तो भी प्रेजेंट है क्योंकि या तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में बैठा होगा सेंटेंस कोई या फिर नेगेशन में होगा। ठीक, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही क्लियर, जो मेन वर्ब है, ये डू डज के बाद में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या फिर यूं कहें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आना, इसके बाद में, इसके बाद में। चलिए क्रिकेट,
अब क्रिकेट, ये देखिए प्लेज वर्ब की कौन सी फॉर्म बैठी है, फर्स्ट फॉर्म है। इसको किस में बदलने के लिए कह रहा है, एज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि हम जब क्रिकेट एक गेम है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में है कि नहीं है, सिंगुलर ही है क्योंकि जो भी जितने भी गेम्स नेम ऑफ द गेम हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं। तो एज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, एज आएगा। ठीक, अब मेन वर्ब क्या है, प्ले है, ये प्ले है, तो प्ले के इसने थर्ड फॉर्म के लिए कहा है तो मैं लिख देता हूँ प्ले। ठीक, लिख दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ होने के बाद में हमें एक, जैसे हिंदी में द्वारा कहते हैं, ये काम इनके द्वारा किया जाता है या किया गया है या किया जाएगा, इस प्रकार जैसे जैसे हम सेंटेंस यूज टेंस के सेंटेंस लेंगे वैसे अर्थ देते रहेंगे। तो अब यहाँ पर हमें बाई का यूज करना है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, परंतु इस टॉपिक को पढ़ते समय जो बेसिक थिंग्स है उसमें बाई भी है। ठीक, तो यहाँ पर बाई ले आएंगे। ठीक, ये बाई ले आएंगे, ओके। उसके बाद में रूल नंबर 4 की बात करें तो ये पहले का उल्टा हो जाएगा, पहले नियम का उल्टा। पहले में हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव था इसको हमने सब्जेक्ट ऑफ पैसिव बनाया। अब हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पर उसे एजेंट कहा जाता है परंतु मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही कह रहा हूँ। ठीक, क्रिकेट इज प्लेड बाय, अब ये राम रहा हमारा सब्जेक्ट, तो बाय राम, ये राम। आप कई बार छोटे छोटे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, जो प्रॉपर नाउन होती है उनके पहले जो लेटर है उनको एक स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, कभी मत लिखिए। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा, इसलिए राम में आर बड़ा आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा, जो राम प्लेज क्रिकेट, पूरी तरीके से पैसिव बनकर तैयार है। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हमारे एक्टिव से पैसिव बनेंगे। अब जैसे ये सब्जेक्ट की बात हुई, अगर यहाँ पर प्रोनाउन आ जाए, क्योंकि आएंगे, आ जाएंगे क्या, जैसे जैसे हम यहाँ आना या लाना हमारा ही खुद की ऐसे ला सकते हैं, अगर यहाँ प्रोनाउन बैठा हो तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर एक बात आज के इस वीडियो में ध्यान रखना, अगर कभी कभी यहाँ भी प्रोनाउन आएंगे परंतु मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे बदल देना। मान लीजिए प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन का वीडियो भी हमने पर्सनल प्रोनाउन को देखा था, अगर यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करूँ, आई आया हुआ है, अगर यहाँ आई आ जाए तो हमें यहाँ पर मी बनाना है, क्या बनाना है, मी। अगर यहाँ पर वी आ जाए तो हमें अस बनाना है। यू की तो आपको पता है यू ही होती है, तो यू का यू, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है। आप पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को एक बार देख लेना, बार बार कहता हूँ वो टेबल कई बार काम देगी, हर टॉपिक में पैसिव इसमें देगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है उसमें जाएंगे तो देगी। ठीक, उसके बाद में जैसे ही की बात करें तो हिम हो जाएगा, सी की बात करें तो हर हो जाएगा, और दे की बात करें तो देम हो जाएगा, और एट का एट, एट का एट। तो ये तो रही टेबल, इस टेबल को आप याद रखना, प्रोनाउन ये आपस में चेंज होते रहेंगे, ये ऐसे आपस में चेंज होगा। अगर राम होता यहाँ तो, जैसे मान लीजिए यहाँ ही होता, ही प्लेज क्रिकेट, तो मैं क्या लिखता, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, प्लेड बाई हिम। आई होता तो यहाँ पर एस नहीं लगता, चलो आई प्ले क्रिकेट, ये होता तो क्या होता, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, प्लेड बाई मी। अगर यहाँ पर यू होता तो ये होता क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। अगर यहाँ पर सी होता तो सी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई हर, बाई हर। यहाँ पर दे होता तो यहाँ पे एस नहीं लगता,
तो दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, बस। तो ये आप आज के बस वीडियो में आप प्रोनाउन की इस टेबल को भी याद रखें। तो ये बहुत सिंपल है एक्टिव से पैसिव बनाना, मेरे हिसाब से आज इसकी बेसिक थिंग थी, जो भी रूल्स मानते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में इसके और जैसे इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, या फिर अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और ये भी समझेंगे कि इसके टेंस या फिर वर्ब में क्या परिवर्तन, और जो टेंस है उनमें क्या परिवर्तन आएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप पैसिव वॉइस के और कोई ऐसी बुक्स में से पैसिव वॉइस के इस टॉपिक को देखिए और समझिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु और अदर टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।